नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल कोसी इलेक्ट्रॉनिक्स में। दोस्तों आज का वीडियो होने वाला है मैट्रिक्स सॉफ्टवेयर के ऊपर, जिसका नाम है मैट्रिक्स म्यूजिक मेक्स द लाइट्स। इसका स्लोगन है मैट्रिक्स का। तो म्यूजिक के थ्रू कैसे सिंक्रोनाइज कर सकते हैं और इस सॉफ्टवेयर से आउटपुट कैसे लेते हैं, इसमें एनिमेशन जो है कैसे सेलेक्ट करते हैं, इसी के ऊपर पूरा वीडियो होने वाला है। तो वीडियो पूरा देखें और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में जो है मैंने एक जो है आर्टनेट वाला कंट्रोलर लिया हुआ है, जो कि जो है मैट्रिक्स से डायरेक्ट आउट जो है लाइव चलता है। जिन लोगों को पता नहीं है कि आर्टनेट क्या होता है, जैसे आप ऑफलाइन में मेमोरी कार्ड से चलाते हैं, ऐसे ही ऑनलाइन के लिए एक प्रोटोकॉल से यूज किया जाता है जो कि आर्टनेट होता है। आर्टनेट जो कि आपके आईपी एड्रेस से कनेक्टेड होता है, मींस आपके कंप्यूटर से जो है आपका कंट्रोलर आईपी एड्रेस के थ्रू कनेक्टेड होगा और ये जो भी डेटा लेगा सॉफ्टवेयर वो डायरेक्ट जो है आपको कंट्रोलर को मिलेगा और कंट्रोलर जो है आपको पिक्सल का आउटपुट दिखाएगा। जैसा कि इसका नाम है मैट्रिक्स एंड इसका स्लोगन है म्यूजिक मेक लाइट्स, मीन्स ये जो है म्यूजिक से सिंक्रोनाइज हो सकता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने एक स्पेक्ट्रम चला रखा है जो कि मेरे साउंड के अकॉर्डिंग ये चल रहा है और ये हमारे कंप्यूटर के थ्रू चल रहा है और कंप्यूटर का माइक्रोफोन ये डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है। और इसमें भी बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं। इसमें आपको जो है एक लेफ्ट विंडोज है, एक राइट विंडो है। अगर मान के चलो कि आपने कोई इफेक्ट जो है यहाँ पे चला दिया और आपको कुछ इफेक्ट एडिट करने हैं तो आप इस वाले विंडो पे एडिट करके इसको चला सकते हैं। और यहाँ पे आपको फेडर मिलता है जिससे आप लेफ्ट से राइट स्लाइड कर सकते हैं। तो मैं राइट में अभी कुछ चला करके आपको दिखा देता हूँ और फिर स्लाइड करके दिखा देता हूँ। जैसे हमने ये राइट में यहाँ पे फ्लेम चलाया है तो मैं दोनों को बीच में करूँगा। अभी फेड पे क्लिक किया तो ये क्या हुआ, लेफ्ट से राइट हो गया है। तो आप आउटपुट में देख रहे हैं ये फ्लेम आ गया है। अगर चाहे तो मैं इसे बीच में भी रख सकता हूँ, बीच में मतलब दोनों इफेक्ट मर्ज होंगे, ठीक है। इस टाइप से इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। मैं कुछ इफेक्ट्स आपको दिखाना चाहता हूँ जो इस सॉफ्टवेयर में हैं। जैसे आपको कहीं नंबरिंग का चाहिए इस टाइप के, जहाँ पे काउंटर हो ये सब, तो मेनली ये जो है लाइव के लिए यूज किया जाता है। ये लाइव वाला कंट्रोलर है तो इसको लाइव के लिए यूज करते हैं। दूसरा मैं इफेक्ट देख ये क्रैकर वाला है कि ये लग रहा है कि नीचे से जो है पटाखे ऊपर जा रहे हैं और फट रहे हैं। तो अभी जो है मैंने छोटा सा मैट्रिक्स बनाया है जो कि 20x20 का है। अगर आप ये बड़े में बनाएंगे 50x40 या इसमें तो ये और प्यारा लगेगा। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम जो है मैट्रिक्स से बड़ा सेटअप लाइव चला करके आपको दिखाऊँ, ठीक है। फिर दूसरा इफेक्ट ले लेते हैं। ये तो ऑलरेडी हमने देख लिया है फ्लेम, ये सब है। और इन सब इफेक्ट को आप एडिट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको नीचे जो है स्लाइडर दिया होता है तो मैं इसे एडिट करता हूँ। तो यहाँ पे इसका स्पीड सेट कर सकते हैं, इसके विड्थ हाइट को, ये सब को हम एडिट कर सकते हैं लाइव सॉफ्टवेयर के थ्रू, ठीक है। और ये सॉफ्टवेयर जो है फ्री में अवेलेबल नहीं होते हैं, इसके लाइसेंस लेने होते हैं क्योंकि काफ़ी कॉस्टली होते हैं। फ्री वाले में अगर आप लाइसेंस नहीं लेंगे तो यहाँ पे एक शो करेगा लाइन मैट्रिक्स की, ठीक है। यहाँ पे देख यहाँ पे एक म्यूजिक बार है तो मैंने इसे ऑन किया है तो ये भी साउंड के अकॉर्डिंग हमारा जो है रिएक्ट करता है। और यहाँ पे भी बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं कि म्यूजिक बार में कैसा चलाना है, अलग अलग टाइप के ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। इसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन 1D, 2D, 3D सब टाइप के जो है म्यूजिक बार आप 2D, 3D सारे चला सकते हैं इसमें। फिर जो है नेक्स्ट इफेक्ट, जो भी आप यहाँ पे पिक्चर या जो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो है वो चेंज होगा। लेवल सेप, तो यहाँ पे सेप में आपको जो है कुछ अलग अलग, जैसे हार्ट सेप मैंने यूज किया हुआ है तो यहाँ पे स्टार भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्टार यूज किया हुआ है इस टाइप से। इफेक्ट्स में इसमें कमी नहीं है, बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। तो मैं म्यूजिक प्ले करके फिर देखता हूँ कि इसमें कुछ म्यूजिक के अकॉर्डिंग जो है इफेक्ट चलते हैं कि नहीं। ठीक है।
ये म्यूजिक रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक हो रहा है। इस टाइप से बहुत सारे मोड्स हैं, इफेक्ट्स हैं। तो ये भी म्यूजिक वाला है। तो अब हम लोग जाएंगे सॉफ्टवेयर सेक्शन में और देखेंगे कि मैंने कैसे आर्टनेट को इसको पैच किया है और कैसे जो है मैंने इसे सारा कनेक्ट करके चलाया। तो चलिए चलते हैं हार्डवेयर सेटिंग की ओर, सॉरी सॉफ्टवेयर की ओर, और देखते हैं कैसे मैंने पैच किया है आर्टनेट के थ्रू। दोस्तों अब आ गए हम लोग सॉफ्टवेयर पार्ट पे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये मेरा पहले से जो है सब कुछ पहले से बना हुआ है यहाँ पे, और इसमें मैंने पहले से इफेक्ट जो भी आपको चला करके दिखाया है वो सब बने हुए हैं इसमें, ठीक है। तो अभी जो है मैं शुरुआत से आपको दिखाता हूँ कि मैंने कैसे पैच किया, कैसे आर्टनेट इसे कनेक्ट किया। तो उसके लिए सबसे पहले जो है मुझे एक न्यू सेटअप जो है बनाने होंगे, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ न्यू सेटअप, ठीक है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कोई डिजाइन नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जाना होगा डिवाइस मैनेजर में। यहाँ पे पहले से मेरा आर्टनेट डिवाइस है तो मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ और उसके बाद आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। ये जो है एग्जांपल के लिए पहले से दिया होता है और यहाँ पे देखिए वो सारा गायब हो गया है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना आर्टनेट डिवाइस जो भी आपका कंट्रोलर है उसके आईपी एड्रेस यहाँ पुट करने होंगे। हमारा जो है अभी एक डिवाइस कनेक्ट कर रहे हैं और एक डिवाइस से जो है चार पोर्ट आउटपुट है हमारा, ठीक है, थोड़ी तीन पोर्ट आउटपुट है एंड इनेबल डायरेक्ट आईपी एड्रेस एंड इसको मैंने ऑन कर दिया, ठीक है। ये देखिए ये यूनिवर्स लिखा है, यूनिवर्स 1 2 3, और ये भी 1 से स्टार्ट है, ये ऑलरेडी 1 है। तो इसको जाके सबसे पहले एडिट करना होगा। यहाँ पे पोर्ट में कितने यूनिवर्स है आउटपुट में, हमारा 3 है। तो पहला जो है 0 नंबर, यहाँ 0 0 दिख रहा है, 0 नंबर से नहीं है हमारा, 1 नंबर से स्टार्ट है। दूसरा यूनिवर्स 2 नंबर से और तीसरा यूनिवर्स 3 नंबर से, ठीक है। हमारा जो आईपी एड्रेस है आर्टनेट वाले का वो 10 है, 128 जो भी आपका है वो आपको डालना होगा, ठीक है। अप्लाई करने के बाद आपको करना है ओके। जैसे ही आप ओके करोगे देखो आप यहाँ पे फर्स्ट यूनिवर्स 1 एग्जाम्पल वाला 2 3 4, और यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे ये 3 यूनिवर्स दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले सबको ऑन करना है और कुछ एडिट करने हैं। ये यूनिवर्स नंबर 1 हो गया, ये यूनिवर्स नंबर हमारा 2 है, ठीक है, और ये हमारा यूनिवर्स नंबर 3 है, ठीक है। मैंने अप्लाई कर दिया और करना है ओके। तो ये हमारा आर्टनेट सेटिंग हो गया है और उसके बाद जो है आपको जो भी मैट्रिक्स साइज बनाने हैं तो उसके लिए जो है आपको पैच एडिटर में जाना है, ठीक है। तो यहाँ भी मैं सारे को डिलीट कर देता हूँ पुराने वाले पैचिंग को, और यहाँ पे जो भी आपको मैट्रिक्स बनाने हैं, जैसे मुझे 20x20 का बनाना है या 16x16 का, तो यहाँ पे आपको वो प्रेस करना है। मैंने प्रेस कर दिया। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे पैच करने के लिए मैं एक यूनिवर्स पे जो है आपको 160 एलईडी चलाने वाला हूँ। तो यहाँ पे एक्स में लिखना है हमें 8 लाइन चलानी है एक यूनिवर्स पे, और हाइट में जो है 20 एलईडी होंगे। तो ये 160 एलईडी एक यूनिवर्स पे मुझे चलाने हैं। तो यहाँ स्टार्ट चैनल 1 चैनल है और यूनिवर्स स्टार्ट 1 है, और हमारा जो है एस कनेक्शन है और हम जो है वर्टिकल मोड कर रहे हैं, इस टाइप का कनेक्शन है। तो ये हम जो है कर लिए, ये मेरा 8 चैनल यूनिवर्स ये सिंक्रोनाइज हो गया है। अब उसके बाद जो है हम जो है यहाँ पे देखिए एक्स का पोजीशन पूछ रहा है ये कितने नंबर पे है। तो अब जो है हमारा ये एक्स का पोजीशन जो है 9 नंबर पे हो जाएगा, तो हमारा दूसरा यूनिवर्स स्टार्ट होगा। ये स्टार्ट यूनिवर्स 2 रहेगा और ये सब कुछ सेम रहेगा, और ये हमारा 16 जो है एलईडी पैच हो चुका है। अब बचे हैं 4,
चार को मैं जो है इनवर्स नंबर 3 पे डालने वाला हूँ, और ये हमारा जो है 17 नंबर से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये हमारा 17 नंबर से स्टार्ट होगा और ये डीमैक्स इनवर्स नंबर 3। इस तरीके से मैंने जो है पैचिंग किया है, ठीक है। और जो है बस आपको ये पैचिंग होने के बाद आप जो भी यहाँ पैटर्न चलाएंगे, पैटर्न चलाने के लिए यहाँ 3 ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। एक तो है ये डायरेक्ट इसमें एनिमेशन है, और मैं एनिमेशन के बारे में ही आपको बता देता हूँ। जैसे ये फायर है तो इसके साथ जो है बहुत सारे पैरामीटर दिए हुए हैं, आप उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हर एक इफेक्ट के अपने अपने पैरामीटर हैं, ठीक है। आप उसके अकॉर्डिंग जो है आप उसे चेंज कर सकते हैं। और ये इक्वलाइजर है, ये आपका साउंड के साथ काम करता है, ठीक है। और ये म्यूजिक वाला है, ये म्यूजिक के अकॉर्डिंग जो है आप अलग अलग, हेलो, म्यूजिक के अकॉर्डिंग जो है आप शेप चला सकते हैं। ये म्यूजिक टू लाइट है, ये साउंड टू लाइट है, ठीक है। ऐसे इस टाइप में, और इसमें ढेर सारे आपको मिलेंगे। आप अलग अलग तरीके से आप उसे एडिट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने फायर वर्क तभी चलाया था, तो मैं यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ, फील ड्रॉप एक्सप्लोजन। तो ये एक्सप्लोजन वाले में यहाँ पे देख, आपको जो है फायर वर्क सेलेक्ट करेंगे तो ये नीचे से जाएगा, ऊपर फटेगा, ठीक है। और इसका जो है आप जो है फेड कम कर सकते हैं, तो आप देखो फेड चला गया है, फेड में लेकिन ज़्यादा बेटर लगता है। तो ये सब सेटिंग्स है, आप इसे जो है विड्थ हाइट ये सब सेट कर सकते हो। तो होप सो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और नेक्स्ट टाइम मैं इसे 2080p पे लाइव चला करके दिखाऊंगा मैट्रिक्स से। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज।